In the name of Allah my dear students of 10th class the topic we are going to discuss is to, uh, this employment generation in Jammu and Kashmir let me tell you that firstly that the economy of Jammu and Kashmir has suffered a lot from the disturbing conditions the prevailing conditions the disturbed conditions that was prevailing in the state for almost 20 years or you can say two decades but I tell that the economy Jammu and Kashmir पे जो थ्रस्ट आया है वो वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ की कंडीशन जो थी वो मिजरेबल कंडीशंस थी लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा घर से लोग नहीं निकल पा रहे थे बाहर हड़ताल्स होते थे कर्फ्यूज होते थे रेड्स होती थी मिलिट्री इन्फ्लुएंस था मिलिटेंसी इन्फ्लुएंस था यहाँ पे तो इस वजह से हमने बहुत सफ़र किया है जिस वजह से इंडियन जो हमारी जे एंड के की इकॉनमी भी है वो भी बहुत ही पीछे गई है बैकवर्ड थ्रस्ट आ गया तो अब अब हमने ज़रूरत किस चीज़ की है हमने बैक अब हमने वापस आना है इन 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 ए सिचुएशन वेर वी कैन गिव द एम्प्लॉयमेंट अपॉरचुनिटीज़ टू आर यूथ जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं जिनके पास काम नहीं है तो अब हमने ऐसे एवेन्यूज़ यहाँ पर जनरेट करनी है ऐसी अपरचुनिटीज़ जनरेट करनी है जिन व जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है तो इसके लिए जब जब हम ट्रेडिशनली बात करते हैं जो हमारे मेन सेक्टर्स थे जो हमारे यूथ को यहाँ एम्प्लॉयमेंट देते थे एम्प्लॉयमेंट देते थे एम्प्लॉय करते थे उसमें हमारा एग्रीकल्चर था हॉर्टिकल्चर था फूड प्रोसेसिंग था हेंडी क्राफ्ट था हैंडलूम था टूरिज़म था और हम ये भी जानते हैं कि टूरिज़म का यहाँ पे कि एक, एक मेन रोल था कैसे टूरिज़म की वजह से लोग आ, बहुत सारी दो दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आके अप, अपने आ, अपनी वेल्थ को हमारे साथ शेयर करके हमारी स्टेट इकानमी को बूस्ट करते थे नाउ द नीड ऑफ द आर इज़ टू बूस्ट दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें एक्सपेंड करना है यहाँ के इंडस्ट्रियल बेस को ताकि यहाँ पे प्रमोट हो जाए प्राइवेट कैपिटल इनफ्लो भी यहाँ पे प्रमोट हो जाए और दो हम जानते हैं कि बहुत सारी जैसे कि बहुत सारी ये कम्युनिकेशन सेंटर्स जैसे कि हम देखते हैं मास कम्युनिकेशन वगैरह ये इस सब का तो ऑलरेडी यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गए इंट्रोड्यूस हो गया है ये सब कुछ इंट्रोड्यूस हो गया है लेकिन इसके बाद भी हमें स्पेशल फोकस देना है हमें इंडस्ट्रियल बेस इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसे स्टेप्स ऑलरेडी उठाए हुए हैं लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए इस वक्त हम देखते हैं गाँव में भी ऐसे सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ पर लोगों को स्किलफुल बनाया जाता है बनाया जाता है या इवन की गर्ल्स को एम्प्लॉय किया जाता है उनको स्किलफुल बना के आ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनको ये सरकमस्टेंसिस दी जाती है कि वो खुद को एम्प्लॉय कर सके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके तो तो हम देख देख रहे हैं हम जब हम यहाँ पे यू कैन सी हेयर द जम्मू एंड कश्मीर लीड्स लीड्स द स्टेट विद हाइस्ट अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉमेंट मैं अगर हम स्टेट बहुत सारी स्टेट्स की यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें हमारा परसेंटेज में हमारा इंडिया की टोटल अनएम्प्लॉमेंट रेट जो है वो है सिक्स पॉइंट फोर हिमाचल प्रदेश में नाइन पॉइंट ज़ीरो परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है डेली डेली में नाइन पॉइंट जीरो केरला में टेन पॉइंट जीरो हरियाणा में थर्टीन पॉइंट सेवन और सबसे टॉप नंबर पे जो आता है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है जिसमें फिफ्टीन परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसके साथ ही मैं आपको ये बात बोलूँ कि इन दिस डायरेक्शन तो अगर हम इस देखेंगे जो भी यहाँ पे इस की रेट है इस इसी को ध्यान में रख के जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट होती है एम्प्लॉयमेंट जिन सेक्टर से मिलती है ठीक है तो वो है जिसमें हमारा एग्रीकल्चर आता है एग्रीकल्चर में हमारा हॉर्टिकल्चर है फ्लोरिकल्चर है फूड प्रोसेसिंग है एंड एनिमल हजबेंड्री इसी तरह से हम हमारे पास हैंडलूम है और हैंडी क्राफ्ट्स में भी हमारे हमारी यहाँ काफ़ी हद तक पॉपुलेशन इसके साथ इन्वॉल्व है जो यहाँ के कारपेट्स बनाते हैं हैंडमेड रग्स की बात हम करेंगे ये कांगड़ियाँ बनाते हैं वुड कार्विंग करते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है शॉल्स बनाते हैं यहाँ का हैंडलूम और हैंडी दुनिया भर में मशहूर है जो हमारे इंडिया में जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर बना में बनाते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अभी वर्क कर रही है रूरल इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही है टूरिज़म और ट्रैवल्स ये यह हम यहाँ से हम हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी बहुत सारा पॉपुलेशन ये ख़ुद में एब्जॉर्ब करता है या हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी पॉपुलेशन काफ़ी हद तक हमारी पॉपुलेशन ये इन्वाल्ड हो है इन्वॉल्ड है एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उनको इसी तरह लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रोड्स एंड रेलवेज़ में इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमारी ये ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे स्टेट में ऑन सस्टेनेबल बेसिस मिलती है तो अगर हम इसके साथ टूरिज़म की बात करेंगे टूरिज़म जिसमें हमारा डोमेस्टिक टूरिज़म आता है या इंटरनेशनल टूरिज़म आता है वो भी हमें पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है पॉसिबिलिटीज देता है प्रोवाइड करता है हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जिसमें हमारे होटल्स आते हैं कैटरिंग आता है या इंटरटेनमेंट ट्रावल सेक्टर आता है इसमें या इसी तरह इसमें हमारा मार्केट आता है जिसमें हमारे हैंडी और हैंडी हैंडलूम्स हैंडलूम और हैंडी की काफ़ी हद तक ये इकॉनमी हमें इससे जनरेट हो जाती है तो देर फो देर आर इक्वल चांसेस ऑफ गेन फुल सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट इन द अदर अबो डिफाइंड सेक्टर एज़ वेल अब ये सब कुछ इन सेक्टर्स को छोड़ के हमारी गमेंट uh, इस वक्त uh, काम कर करे इस बात पे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिले ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को यहाँ पर प्रमोट करें जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ प्रमोट हो जाएगा उतना ज़्यादा हमारी इकोनमी बूस्ट हो जाएगी हम इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगी Thank you, my dear students. Thank you very much.